14 अक्टूबर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। उस मैच का क्रेज इतना ज्यादा है कि 1 लाख से भी ज्यादा बड़े कैपेसिटी वाले स्टेडियम में सारी की सारी टिकटें बुक हो गई थी सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर। यहाँ तक कि वहाँ के जो हॉस्पिटल है उनके बेड तक बुक हो गए थे सिर्फ इस मैच को देखने के लिए। दोनों ही देशों में क्रिकेट को त्यौहार की तरह मनाया जाता है और सारे लोग एक साथ बैठकर इस मैच को देखते हैं। और जब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है तो कई सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं और कई सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच सबसे इंटेंस मैच होता है किसी भी स्पोर्ट्स में, क्योंकि इस मैच में लोगों के इमोशंस एंड फीलिंग जुड़ी हुई होती है और लोगों का जो जोश होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। और हर मैच की तरह इस बार का भी मैच एक हिस्टोरिक मैच होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी के बारे में। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला खेला गया था 1952 में। आज़ादी के ठीक 5 साल बाद ये पहला टेस्ट मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि खेला गया था 16 से 19 अक्टूबर में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ने। इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज जीत ली थी 2-1 से और इंडिया की पहली जीत थी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमी पर। उस समय के जो इंडियन टीम के कैप्टन थे वो थे लाला अमरनाथ और पाकिस्तान की टीम के कैप्टन थे अब्दुल कादर। ये एक हिस्टोरिक मैच रहा था क्योंकि पूरी हिंदुस्तान की जनता और पाकिस्तान की जनता ने एक साथ बैठकर ये मैच देखा था। और इस मैच के बाद से दोनों ही देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था हर एक मैच जीतना, क्योंकि दोनों ही देश क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और अब क्रिकेट एक जंग का मैदान बन गया था दोनों टीमों के लिए और जीतना उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया था ताकि पूरी दुनिया को बता सके कि कौन क्रिकेट सबसे बेहतर खेलता है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच टोटल 59 टेस्ट मैचेस हुए हैं, जिसमें से पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा आगे रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने 12 मैचेस जीते हैं और इंडिया ने सिर्फ 9। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच लास्ट टेस्ट मैच खेला गया था 8 से 12 दिसंबर 2007 में, क्योंकि 2008 में मुंबई में 26/11 का अटैक होता है जिसमें पाकिस्तान के टेस्ट इन्वॉल्व थे और इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के और पाकिस्तान के सारे टूर कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि जो पाकिस्तान बोर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता था ब्रॉडकास्टिंग राइट से जब जब इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली अपोज किया किसी भी पाकिस्तान प्लेयर को इंडिया में खेलने से और कोई भी टूर्नामेंट खेलने से एक्सेप्ट ICC टूर्नामेंट। लेकिन उसी साल 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप होता है साउथ अफ्रीका में, जिसको इंडिया जीत जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये एक हिस्टोरिक मैच रहा था और दोनों ही टीमें ये टाइटल जीतना चाहती थी और ये मैच टाई हो गया था, क्योंकि मैच पहुंचता है सुपर ओवर में जिसमें दोनों ही टीमों को एक एक ओवर मिलते हैं और इंडिया बॉल आउट में जीत जाता है 3-0 से पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसके बाद से इंडियन पाकिस्तान के बीच टोटल 12 T20 मैचेस हुए हैं, जिसमें से भारत ने 8 मैचेस जीते हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ 3 और एक मैच ड्रॉ रहा है। और इंडियन पाकिस्तान के बीच लास्ट T20 मैच खेला गया था 23 अक्टूबर 2022 में, जो कि इंडिया 4 विकेट से जीत गया था। ये एक हिस्टोरिक मैच रहा था जिसमें विराट ने एक आइकॉनिक पारी खेली थी 82 रन की। इंडियन पाकिस्तान के बीच पहला ODI मैच खेला गया था 1 अक्टूबर 1978 में, जिसको भारत 4 रन से जीत जाता है। उसके बाद से इंडियन पाकिस्तान के बीच कई सारे बड़े मुकाबले होते हैं और कई सारे नए रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं और इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच अब तक टोटल 134 ODI मैचेस हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा आगे रहा है जिसने 73 मैचेस जीते हैं और भारत ने 56 मैचेस जीते हैं और बाकी के ड्रॉ और नो रिजल्ट। अगर हम सारे टूर्नामेंट्स के मैचेस मिला दें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच टोटल 205 मैचेस हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा आगे रहा है और पाकिस्तान ने 88 मैचेस जीते हैं और भारत ने 73 मैचेस जीते हैं और बाकी के गेम्स ड्रॉ और नो रिजल्ट। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं 3 ऐसे प्लेयर रहे हैं क्रिकेट हिस्ट्री में जिसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमों की तरफ से खेला है। जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो कुछ ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान चले गए थे, जैसे कि अमीर इलाही, जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच खेला था इंडिया की तरफ से सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1947 में। फिर उन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले थे पाकिस्तान की तरफ से 1952 में। उसके बाद आते हैं गुल मोहम्मद, जिन्होंने इंडिया की तरफ से 8 टेस्ट मैचेस खेले थे 1946 से लेकर 1955 तक। फिर उन्होंने 1 टेस्ट मैच खेला था पाकिस्तान की तरफ से 1956 में। फिर आते हैं अब्दुल कादर, जिन्होंने इंडिया की तरफ से 3 टेस्ट मैचेस खेले थे 1946 में और फिर उन्होंने 23 टेस्ट मैच खेले थे पाकिस्तान की तरफ से 1946 से लेके 1958 तक। और ये दिखाता है कि क्रिकेट कितना भरा हुआ है लोगों के रगों में और क्रिकेट कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए। और अब बात करते हैं ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक बहुत ही प्रेस्टीज ट्रॉफी होती है क्रिकेट में और सभी देशों की टीम ये ट्रॉफी जीतना चाहती है। पहला मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 1978 में इंग्लैंड में और अब तक 12 वर्ल्ड कप हो चुके हैं
और जो सबसे सक्सेसफुल टीम रही है वो ऑस्ट्रेलिया, जिसने 5 बार कप जीता है। वेस्टइंडीज ने 2 बार, भारत ने 2 बार, पाकिस्तान ने 1 बार, श्रीलंका ने 1 बार और इंग्लैंड ने 1 बार। और इन 12 वर्ल्ड कप में इंडिया एंड पाकिस्तान का आमना सामना 7 बार हुआ है और 7 बार इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है और रिकॉर्ड कायम किया है। और 2023 का ये 13 एडिशन होने वाला है और सबसे स्पेशल वर्ल्ड कप होने वाला है, क्योंकि 12 साल बाद वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। और 14 अक्टूबर को इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच होने वाला है दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद में, जिसको पूरी दुनिया का इंतजार रहता है, क्योंकि इस मैच में आपको देखने के लिए मिलता है एग्रेशन, एंगर, जोश, एनर्जी, लोगों का गुस्सा, लोगों का उत्साह, हमें पूरा ड्रामा इस गेम में देखने के लिए मिलता है। और इस गेम की जो व्यूअरशिप होती है वो ऑल टाइम हाई होती है किसी भी स्पोर्ट्स में, यहाँ तक कि जो अमेरिका का सबसे फेमस सुपर बोल होता है और फुटबॉल में फीफा होता है, इससे भी ज़्यादा व्यूअरशिप आती है इंडिया एंड पाकिस्तान मैच में। और इस मैच में भी यही होने वाला है और इस बार भी पूरी कोशिश रहेगी कि इंडिया पाकिस्तान से मैच जीते और रिकॉर्ड कायम रहे। लेकिन हमें क्रिकेट को एक स्पोर्ट्स की तरह ही खेलना चाहिए और देखना चाहिए, ना कि एक नफरत की तरह, ना कि एक जंग के मैदान की तरह। क्योंकि जब जब इन दोनों टीमों का मैच होता है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्लोगन लगाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेट्रेट फैलाई जाती है, क्योंकि जब भी दोनों टीमें खेलती है तो अपने देश को रिप्रेजेंट करती है, दोनों ही टीमें अपना बेस्ट देती है, कभी इंडिया जीतता है तो कभी पाकिस्तान। लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने ही देश के प्लेयर्स को, जैसे कि 2019 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया को फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में हराया था, वो भी 10 विकेट से। उसके बाद इंडियन टीम्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा गाली दी गई थी और काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्लोगन लगाए गए थे, जो कि बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि दोनों ही टीमें रिप्रेजेंट करती अपने देश को और हर एक देश चाहता है कि उनका देश जीते और दोनों ही टीमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। लेकिन कभी कभार होता है कि कभी कभार इंडिया जीती है तो कभी कभार पाकिस्तान जीता है, और ये स्पोर्ट्स का रूल है और हमें स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स की तरह ही देखना चाहिए, ना कि नफरत की तरह। और इस बार का वर्ल्ड कप भी हम उसी जोश के साथ देखेंगे, लेकिन बिना किसी हेट्रेट के, बिना किसी एक्सट्रीम स्लोगन के। और इस बार भी पूरी कोशिश रहेगी कि इंडिया पाकिस्तान को हराए और इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते। और कमेंट में आप प्लीज़ डाल दीजिए कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोगों को पता लगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी के बारे में। और प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को जितना हो सके एंड सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।